नमस्कार, जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा के नेतृत्व में जन शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया, जहां जिले के संबंधित सभी थानों से सीएम हेल्पलाइन से लेकर सभी समस्याओं को एसपी कार्यालय में सीनियर अधिकारियों के द्वारा सुनकर प्रार्थी की समस्या का समाधान किया गया, जहां शिकायतकर्ता इस तरीके के शिविर से काफी खुश नजर आए एवं एसपी सिद्धार्थ बहुगुड़ा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस तरीके के शिविर का आयोजन हम समय समय पर करते रहते हैं और आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे, जिससे आम जनता की समस्याओं का निवारण किया जा सके एवं उनको संतुष्ट किया जा सके। जबलपुर से संवाददाता अखिलीम अंसारी की रिपोर्ट। इनका आवेदन सैयद नजफ हसन वो SC ST का मामला हम लोग के पास निकालेंगे। आप इनको डालसा में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और इसमें करीबन 100 के करीब अप्रॉक्सीमेट शिकायतों का निकाल हुआ और संतोषजनक रहा। अमूमन शिकायतें जो हैं घरेलू विवाद, साइबर क्राइम और किराया देना ना देना, किराएदार खाली करना ना करना, या इस प्रकार के ही मुख्य तौर पे ऐसे विवाद जो है आज सामने आए थे, उनका निकाल कर किया गया। कुछ का तो स्पॉट पे हो गया था, कुछ का जांच के निर्देश दिए हैं स्पॉट पे थाना प्रभारियों को ही, तो जल्द से इसका निकाल कराएंगे। तो ये आने वाले समय में भी ऐसे बिल्कुल जैसे अभी पहले भी किया था भविष्य में भी करेंगे। सर, आज जन शिकायत निवारण शिविर लगा है, इसका उद्देश्य क्या है और क्या क्या शिकायतें सुनी जाएंगी? आज पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जबलपुर ज़िले में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के लिए एक विशेष रूप से ये शिविर लगाया गया है। इस शिविर के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये है कि अधिक से अधिक सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हम निराकरण आज करवाएंगे और इसमें ज़िले के समस्त अधिकारी, समस्त CSP साहिबान, सभी SDOP साहिबान, समस्त थाना प्रभारीगण यहाँ पर से पूछ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जबलपुर महिला नागरिक सहकारी बैंक पांडे चौक की डायरेक्टर हूँ और मैं विगत 20 वर्षों से संचालक मंडल में पदस्थ हूँ। मेरे बैंक की एक लिपिक है श्रीमती पूनम चौबे, जो मेरी छोटी बहन की तरह है। उसका और मेरा लेन देन चलता था और उसके पास स्वसहायता समूह की 100 पुस्तिकाएं, ऋण पुस्तिकाएं प्लस जितनी पुस्तकें रहना चाहिए वो रहती थी, वो काम करती थी। और पता नहीं कब उसने क्या किया या मेरे द्वारा जो भी गलती हुई हो, उसने मेरा जो कुछ भी अपने पति से बताया, उसके पति ने मेरे बारे में पर्चे छपवाए, मेरे बारे में अनैतिक चीज़ें लिखी और बहुत कुछ ऐसा लिखा जो बहुत गंदा था, तो मुझे यहाँ पे आना पड़ा। उसका पति बबलेश चौबे मेरे ऊपर दबाव में ला के भी 6 लाख रुपये मांगता है। वो कहता है कि मैं BJP का कार्यकर्ता हूँ, मुझे पैसे की बहुत सख्त आवश्यकता है, मेरी बेटी की शादी होने वाली, मुझे पैसे दीजिए। अब बताइए, जो चीज़ मैंने ली ही नहीं वो मैं कहाँ से लूँ? मांगने के साथ साथ ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।